जो मैं आपको अभी चीजें बताने वाला हूँ ना, यदि आप इन टिप को फॉलो करते हो तो आपका वीडियो 100% में सौ के वायरल होगा। इस पर व्यूज ज्यादा आएंगे, पहले से ज्यादा आएंगे। इस वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मैं बता देता हूँ आपको वो क्या क्या चीज है। तो इसमें मैं दो लोगों की बात करूंगा। पहला, जिसके व्यूज ही नहीं आते हैं, जीरो व्यूज आते हैं, 2, 10 या 50 से 100 तक इतने व्यूज जाते हैं, जाते ही नहीं है, तो उनके लिए, और एक उनके लिए जिनके 1000 व्यूज चले जाते हैं, ठीक है, 500 के बीच में 1000 के बीच में चले जाते हैं उनके लिए। तो पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर जिसके जीरो व्यूज आते हैं। जीरो व्यूज जो आते हैं उनको आपको कैसे इंक्रीज करना है, तो इसके लिए मैं आपको दो चीजें बता देता हूँ यहाँ पर। एक, जो फर्स्ट नंबर पर आता है कि आपका टाइमिंग क्या है। वीडियो डालने का टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट करता है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। आपको यूजलेस बातें लगेगी लेकिन ये मैटर करता है, ठीक है। लास्ट टाइम मैं आपको मिस्टेक बताऊंगा, वो मिस्टेक सुनकर ही जाना। यदि आप वो मिस्टेक करते होगे तो आपका चैनल कभी ग्रो नहीं होगा, तो उसको भी सुन लेना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले अपलोड करने का वीडियो का टाइमिंग क्या रखना है। तो वीडियो आपको जो है सबसे पहले सुबह 8 से 10 के बीच में अपलोड करना है, ठीक है, सुबह 8 से 10 के बीच, ठीक है, 8 से 10 सुबह इतने बजे आपको वीडियो अपलोड करना है। सेकंड बार आपको जो वीडियो है वो कब करना है अपलोड, 3 दिन में। आपका जब वीडियो पहला अपलोड हो जाता है वहाँ पर 3 दिन लिखा आ जाता है ना, 33 डे, वो जब लिखा जाए ना तब आपको अपना जो वीडियो है वो अपलोड करना है। होता क्या है कि जो अपना जो वीडियो है वो शॉर्ट पीरियड में नहीं जाता, हम डेली यूज करते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारे वीडियो अपलोड हो रहे हैं यूट्यूब शॉर्ट पर, शॉर्ट भर चुका है पूरा, ठीक है। मैंने अभी जो एनालिसिस किया ना वो यही किया है कि 3 डेज में यदि वीडियो अपलोड करते तो उस पर वीडियो आते हैं 1000 के लगभग वीडियो आपके इजिली आ जाएंगे, ठीक है, आप 3 दिन के अंदर जो वीडियो अपलोड करते हो 3 दिन के बाद। तो इस बात को ध्यान रखना। दूसरी चीज हो गई, तो ये हो गई बात पहली बार की, जो इसके बिल्कुल भी व्यूज नहीं आते उनके लिए। अब बात करते हैं जिसके 1000 व्यूज आ जाते हैं, ठीक है, और ये बात उनके लिए भी है जिनके 1000 व्यूज जब आने लगेंगे, ठीक है, ये फॉलो करने के बाद। तो उनको क्या करना है, उनको दो चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है। पहला, कि आपका जो एडिटिंग है वो अच्छी होनी चाहिए। अच्छी मतलब कैसे, जो प्रोफेशनल वाली थोड़ी होनी चाहिए कि अच्छी हाँ लगे देखने में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो कि कोई भी आपको एक इफेक्ट लगाना है। इफेक्ट मतलब जैसे यहाँ पर मैंने 2-3 इफेक्ट यहाँ पर बताए हैं, क्योंकि इफेक्ट लगाने से आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी। आप कोई इफेक्ट बना सकते हो, ए बार जो मैंने बनाया था ना एक वीडियो, ए बार आप इफेक्ट लगा सकते हो। अब आते हैं भाई तीसरे नंबर की बात जो रहती है कि मिस्टेक। हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हमारा वीडियो बंद हो जाता है शॉर्ट फीड में जाना। तो मिस्टेक यह रहती है सबकी कि जो आप है किसी भी वीडियो को अपने जो चैनल पर अपलोड कर देते हो, किसी भी मतलब आपने कहीं पर कोई भी कॉमेडी देखी, फनी वीडियो देखा, रील देखी, उसको डाउनलोड किया और अपने वीडियो में अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। इससे होता क्या है कि वो वीडियो यदि वायरल हो जाता है या उससे रिलेटेड वीडियो और चलने लगते हैं या नहीं भी चलते, तो YouTube को लगता है कि आपका जो वीडियो है वो इस टाइप की कैटेगरी के रहेंगे, तो उनको वो अपना जो है फ्री फायर का वीडियो भेजता है। तो भाई वो क्यों देखेंगे आपका वीडियो, वो तो आपको वीडियो देखेंगे नहीं, क्योंकि उनकी फनी वगैरह पसंद है। तो आपको बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपको जो दूसरों का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड बिल्कुल भी नहीं करना है। यदि आप ऐसा करते हैं, यदि आपने कुछ ऐसा किया तो उसको छोड़ दो या फिर दूसरा चैनल बना लो भाई, उस पर मेहनत करना चालू कर दो, वरना ऐसे ही यदि आप एक गलती करोगे तो वीडियो तो कभी आपका बीच आएंगे ही नहीं। तो ये रही कुछ टिप जो मैंने आपको शेयर की, इससे जरूर आपको जो बेनिफिट होगा, आपका वीडियो वायरल होगा, बीच आएंगे। तो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बता देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक।